बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा कल हमने बनाया था इनकम स्टेटमेंट। अच्छा इनकम स्टेटमेंट से कल हमने बनाया था इनकम स्टेटमेंट। अच्छा इनकम स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है, प्रॉफिट लॉस पता चलता है। अच्छा बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि फाइनेंशियली बिजनेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा ये पता। अच्छा बैलेंस शीट बेस करेगी अकाउंटिंग इक्वेशन पर, जो बैलेंस शीट है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस कर, मतलब इसी इक्वेशन को अगर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लें तो वो बन जाएगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तीन चीजें आएंगी, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। ठीक। अच्छा तो पहले एक क्वेश्चन कर रहे थे आपको, कल हमने क्वेश्चन किया था 7.1 इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाया था, अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। कॉपी बाद में कीजिएगा, पहले समझ लें। ठीक है ठीक। अच्छा सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसेट्स। अच्छा एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, दो, करंट और नॉन करंट। पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं, उसके बाद करंट एसेट। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं नॉन करंट एसेट कौन कौन से हैं। यदि हम पहले प्रेमिसेस, बिल्डिंग और मोटर व्हीकल्स, दो नॉन करंट एसेट हैं प्रेमिसेस और मोटर व्हीकल, ये लिख लेते हैं इनर कॉलम में और इसका टोटल लिख लेंगे आउटर कॉलम। ये टोटल आ गए नॉन करंट एसेट। इसके बाद हम लिखेंगे करंट एसेट्स, अकाउंट फॉर्म होती है करंट एसेट में अकाउंट्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक। और ये लास्ट में से दिया हमें स्टॉक, इन्वेंट्री। तो चार आपके नॉन करंट एसेट्स हो गए, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर लेते हैं तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे 172,200। ठीक है, एसेट हो गए टोटल एसेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ हेडिंग आएगी ओनर्स इक्विटी। अच्छा ओनर्स इक्विटी मीन्स होता है ओनर्स शेयर इन बिजनेस। याद होगा स्टार्ट में 5 हेड्स ऑफ अकाउंट सिखवाए थे मैंने, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल और इक्विटी। एक्चुअल में मेन हेड होता है आपका इक्विटी, इक्विटी में कैपिटल आता है, लिखने में हम कैपिटल लिख देते हैं। जैसे ये इक्वेशन में मैंने लिखा है यहाँ पे assets equals to capital plus liabilities, so लिखने में capital लिख सकते हैं, लेकिन actual में fifth head आपका होता है owners equity। ठीक। अच्छा owners equity means होता है owners share in business। owner का share क्या होता है business में, owner की investment होती है, owner की drawings होती है और owner का profit होता है। ठीक। तो equity में तीन चीजें आ जाती है, capital, profit, ड्रॉइंग। इन तीनों के सम को हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। तो कैपिटल, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स, इन तीनों के सम को कहते हैं ओनर्स
तीनों चीजों तो कैपिटल जो है वो ओनर्स इक्विटी का पार्ट है, आप ये कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें लिखते हैं कैपिटल कितना है, ये लास्ट में दिया कैपिटल, कैपिटल आ गया। अच्छा प्रॉफिट कितना था इसका, इनकम स्टेटमेंट देख के बताएं, कल हमने बनाया था इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट आया था 31,903। अच्छा प्रॉफिट ऐड होगा लेस होगा इसमें, ऐड हो जाएगा, सही, प्रॉफिट ऐड कर लेंगे कैपिटल में और ड्राइंग्स लेस हो जाती है ना, ड्राइंग्स कितनी है 8,400, ऐड कर लेंगे लेस करते हैं, और अब इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ओनर्स इक्विटी, प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग्स लेस की और ये आ गए हमारे पास ओनर्स इक्विटी। अच्छा इसके बाद फिर लायबिलिटीज आएंगी। अच्छा लायबिलिटीज भी दो टाइप्स की होती है, नॉन करंट और करंट, तो पहले हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज और उसके बाद करंट। जब क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, पेबल्स तो करंट में आते हैं ना, नॉन करंट में क्या आ जाता है, लोन वगैरह, तो उसमें नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी, क्रॉस डाल देते हैं। के बाद करंट लायबिलिटीज, सब करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल है 17,600 और बस एक ही लायबिलिटी है। अच्छा एक ही लायबिलिटी तो डायरेक्ट इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब इक्विटी, ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटीज को ऐड कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, उस वाले के, एसेट्स के इक्वल ना, हाँ ठीक है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 1,72,200, ठीक। इस तरह की हमारी इक्वेशन यहाँ प्रूव भी हो गई ना, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस इनकम स्टेटमेंट। जी सेम आंसर सर, ये भी मोटर रनिंग एक्सपेंस ये करंट एसेट में भी आएगा, नहीं एक्सपेंस है ना, सही है।
सही सही सर एक मिनट ठीक है अब 9.3 इनकम स्टेटमेंट. अच्छा इसमें बनेंगे तीन कॉलम अब ठीक है. ये फेयर वर्क हो जाएगा, दो इनर कॉलम आपके रफ वर्क बताता हूँ. अच्छा सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इसमें सेल्स. अब सेल्स कितनी है? सेल्स है 380,400. सेल्स आ गई, देखते जाए. अच्छा इसके बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ट्स. रिटर्न इनवर्ट्स सेल्स रिटर्न होती है ना. अच्छा सेल्स की नेचर क्या है? इनकम. गुड सेल करेंगे तो इनकम इंक्रीज होगी और जब सेल्स रिटर्न होंगी तो इनकम डिक्रीज हो जाएगी ना. तो अब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगी ठीक है. ये टोटल सेल्स है, सेल्स रिटर्न हो गए माइनस करेंगे. अभी हम वापस आ जाएंगे नेट सेल्स. सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स आ गई. अब इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब वही कैलकुलेशन होगी इसकी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले लिख लेंगे इन्वेंट्री एट स्टार्ट 41,600. इन्वेंट्री एट स्टार्ट आ गई 41,600. इसके बाद परचेजेस. परचेजेस कितनी है? 188,430. परचेजेस लिखते हैं. अच्छा ये इनर कॉलम में थर्ड कॉलम में आ जाएंगे. इसके बाद परचेजेस में ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ट. कैरेज इनवर्ट कितना है? खर्चा किया था आईडी होगा ना. जिसके बाद माइनस करेंगे परचेज डेटर रिटर्न आउटवर्ड्स. तो रिटर्न आउटवर्ड्स कितनी है? 3,410. माइनस करते हैं. अच्छा इन तीनों का सम कर देंगे कितना आ जाएगा आपके पास? क्योंकि एक होता है रिटर्न इनवर्ट होगी ना 188,720. सेम वही कैलकुलेशन जो अभी मैंने एक्चुअल पे समझाया था ना. ओपनिंग इन्वेंटरी परचेज कैरेज इनवर्ट परचेज रिटर्न. तो ये आ गया 188,720 ना. अब क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंटरी और ये नेट परचेजेस को ऐड कर देंगे. अच्छा इन तीनों का सम क्या कहलाएगा? नेट परचेज. यार आप उठाएं इधर से बाहर आ जाएंगे. अब आवाज नहीं आनी चाहिए. अच्छा ओपनिंग इन्वेंटरी और नेट परचेजेस को ऐड कर लेंगे ठीक है. इसका सम आएगा 230,320 आ जाएगा. सेम वही आ रहा है जो हमने यहाँ लिखा था. सही है, सम कर लिया. अच्छा ये जो सम होगा इसे हम कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहला. यानी कि पूरे साल इतना स्टॉक हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल था. अब क्या रहेगी? अब इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे आप ठीक. इन्वेंट्री एट एंड कितनी है? 44,780. माइनस करते हैं. ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये तरह के तीन कॉलम में इसके वर्किंग क्लियर. तो ये सेम आंसर आ रहा है. देखें 185,500. तो ये इसका एक प्रॉपर तरीका है. अब नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. और तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंस माइनस होंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा. पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में कॉपी कर लेंगे. अब ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन गुड्स वो भी ट्रांसपोर्टेशन.
बता दो। अच्छा आप कहेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कौन कौन से हैं? एक्सपेंसेस आपके पास सैलरीज एंड वेजेस, वेयरहाउस रेंट, इंश्योरेंस, होटल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, लाइटिंग मीटिंग, जर्नल एक्सपेंस, सैलरी से लेकर जर्नल एक्सपेंस ये सब लिख लेते हैं। सैलरी कैरेज आउटवर्ड भी आएगा इसी में, कैरेज आउटवर्ड भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरी वेजेस, वेयरहाउस रेंट, इंश्योरेंस, होटल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस हम लगा रहे हैं, गुड्स डिलीवर करके आ रहे हैं, लाइटिंग हीटिंग जनरल एक्सपेंस, गुड डिलीवर करके आ रहे हैं, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा खर्चा। अच्छा इन सबको ऐड कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंस आ गया आपके 72,070। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट क्लियर। अभी कॉपी करें फिर इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे।